अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू मूवी नेच के ब्लॉग। आज 29 नवंबर है और सुबह के टाइम बहुत सर्दी है, जिसकी वजह से मेरा नहाने का बिल्कुल भी दिल नहीं चाह रहा है। यहाँ बाल देख सकते हैं मैंने गीले किए हुए, और बस अभी रेडी होता हूँ क्योंकि यूनिवर्सिटी जा के वहाँ के अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह सबमिट करवाने, तो रेडी हो के मिलते हैं। सर की थी की वजह से मैंने आज ये शर्ट निकाली क्योंकि मुझे सर्दी बहुत लग रही है, तो आज मैं ये शर्ट पहनूँगा। ओके गाइस, और बस मैं रेडी होने लगा। और दोस्तों मैं तैयार हो चुका हूँ, बस यूनिवर्सिटी के लिए निकल रहा हूँ क्योंकि मुझे लेट हो रहा है, और बस यूनिवर्सिटी जल्दी जाना है, अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह सबमिट करवाने, और फिर वहाँ से फ्री होना है। तो रास्ते में दोस्तों मैं यूनिवर्सिटी पहुँच गया हूँ, या आप देख सकते हैं मैं टॉयलेट है, यहाँ पे फ़ोन यूज़ करना मना है, तो उसकी वजह से मुझे टॉयलेट में वीडियो बनानी पड़ रही है। अभी ये दिन भी देखना रह गया था, और चुपके से वीडियो बनाना काफ़ी मुश्किल काम है, आप देख सकते हैं इधर उधर भी देख रहा हूँ और साथ ही वीडियो भी बना रहा हूँ। बस वेटिंग हो रही है कि कब मुझे कैंटीन जाऊँ, और कैंटीन में चाय आ चुकी है, पिज़्ज़ा मैंने खा लिया क्योंकि मुझे बहुत भूख लगी थी, और बस हम बाहर की तरफ निकल रहे हैं। मौसम आज अच्छा हो रहा है, मुझे सर्दी लग रही, धूप मुझे। हेलो दोस्तों, हम आ गए घर में, सुबह से किया था यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी में डॉक्यूमेंट्स वगैरह सबमिट कर पाए, अभी बस घर आए हूँ, अभी वापस जा रहा हूँ बाहर की तरफ, आपको सामान वगैरह लेना है, और सामान वगैरह ले के आना है वापस। और आज बहुत थक चुका हूँ क्योंकि अभी फ्री हो, और अब टाइम आप देख सकते हैं 3:30 हो रहे, घड़ी में आपको टाइम देख रहा हूँ। ओके गाइस, मैं घर आ चुका हूँ, अभी मैं घर पर आके फ्रेश हूँगा और चेंज करके आराम से सो जाऊँगा क्योंकि सुबह से मैं उठा हुआ और बहुत थक चुका हूँ। लाजमी मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट करें, और मुझे बताएं मैं किस तरीके का व्लॉग बनाऊँ। और आपके लिए सरप्राइज ये है कि जो मैं गया था पंजाब की तरफ, तो वो जो वीडियोज़ है वो मैं अपलोड करूँगा, देखूंगा जब मुझे टाइम मिलेगा तो वो अपलोड करूंगा। लेकिन पंजाब में मतलब बहुत खूबसूरत व्यू था, तो वो मैं शेयर करूंगा। लाभ में मुझे कमेंट में बताया मैं किस तरीके की वीडियो बनाऊं, और अपना बहुत ध्यान रखें, इंशाल्लाह।